हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर ग्रेट एंड फाइन। आज की वीडियो में मैं बहुत ही एक बेसिक लुक करने वाली हूँ जो कि कोई भी कर सकता है एंड डेली आप ये लुक कर सकते हो क्रिएट। कहीं भी जाने के लिए आप ये लुक क्रिएट कर सकते हो क्योंकि ये बहुत ही एक बेसिक लुक होने वाला है एंड नो फाउंडेशन लुक होने वाला है, जो कि मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मुझे नेचुरल लुक ज़्यादा पसंद है। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड हिट द बेल बटन बिलो। सो लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो। वीडियो बनाने से पहले सनस्क्रीन एंड मॉइस्चराइजर लगा दिया था, अब मैं लगाऊंगी प्राइमर। अगर आपके ओपन पोर्स नहीं है तो आप प्राइमर को स्किप भी कर सकते हो। ओके, बीबी क्रीम यूज़ करना चाहते हो तो बीबी क्रीम भी यूज़ कर सकते हो और कंसीलर भी यूज़ कर सकते हो। डेली भी आपको सनस्क्रीन एंड मॉइस्चराइजर यूज़ करना चाहिए, चाहे आप मेकअप लगा रहे हो, चाहे नहीं लगा रहे हो, चाहे समर्स है चाहे विंटर्स हैं। आई एम यूजिंग दिस प्राइमर फ्रॉम मेबेलिन फिट मी मैट पोरलेस। ये एक्चुअली मैट वाला है बट जैसे कि विंटर्स आ रहे हैं तो आप विंटर्स में दूसरा वाला भी ले सकते हो क्योंकि विंटर्स में तो वैसे ही हमारी स्किन बहुत ही रफ हो जाती है, तो उसमें हमें ड्यूई टाइप की चीज़ होती है तो विंटर्स में हमें ड्यूई वाला ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। और ये थोड़ा मैट है, अगर आपके ओपन पोर्स है तभी आप यूज़ करो, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हो। तो आई एम यूजिंग दिस मेबेलिन इंस्टेंट एज रिवाइंड कंसीलर। मेरी जो डार्क स्पॉट्स वगैरह हैं उनको हाइड करने के लिए है एंड देन इसके बाद मैं एक और कंसीलर यूज़ करूँगी या फिर बीबी क्रीम यूज़ करूँगी। ये मेरे पिंपल ना पता नहीं क्यों हो रहे हैं, मेरे पिंपल पहले नहीं होते थे, आजकल पता नहीं मेरे इतने पिंपल्स हो रहे हैं ना, और ये वाले बहुत दर्द कर रहे हैं। तो आपको एक ऐसा कंसीलर यूज़ करना चाहिए जिससे आपके मतलब डार्क स्पॉट्स वगैरह हाइड हो जाएं। ये थोड़ा शायद थोड़ा सा वैसा है, कैमरे में ऐसा लग रहा है सेम मेरे स्किन टोन का है बट हल्का सा ये थोड़ा ऑरेंजिश टाइप का है, पीचेस पीच टाइप का। ठीक है, तो मैंने इसको सोक कर लिया था। वैसे मैं ऐसे भी इतना इसको भी लगा के जा सकती हूँ बाहर, अच्छा है ये वाला भी, इसको लगा के एंड यू आर रेडी। जो मैं लुक कर रही हूँ ना वो थोड़ा ग्लोई ग्लोई टाइप का भी करूँगी क्योंकि अब विंटर्स में थोड़ा ग्लोई लुक अच्छा लगता है। ये कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, दिस इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी एंड ये बहुत अच्छा कंसीलर है, ज़्यादा नहीं यूज़ करूँगी मैं, हल्का सा यहाँ भी यूज़ करूँगी क्योंकि मैं थोड़ा सा आई शेडो भी लगाऊँगी थोड़ा सा। आप इसमें सेटिंग स्प्रे भी स्प्रे करके यूज़ कर सकते हो तो उससे भी आपका मेकअप देर तक टिका रहता है। सब कमी मेकअप प्रेफर कर रही हैं ज़्यादातर नेचुरल टाइप, तो अच्छा भी लगता है यार, बहुत ही अच्छा अच्छा सा। ओके, कंसीलर इज डन, नाउ मूविंग फॉरवर्ड अब हम करेंगे आई शेडो। तो जैसे कि हम अगर डेली यूज़ पे अगर आई शेडो यूज़ करें ऑब्वियसली हम ज़्यादा डार्क तो करेंगे नहीं, तो इसके लिए हम करेंगे बहुत ही लाइट सा नेचुरल टाइप। थिंक दिस मार्स पैलेट एंड ये वाला कलर मैं यूज़ करूँगी। अगर आप ऐसे विंग टाइप के भी आपको पसंद है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अच्छा लगता है कभी कभी। जैसे आप स्कूल में जॉब करते हो तो कभी कभी स्कूल में जैसे कुछ फंक्शन है तब आप ये आई लुक कर सकते हो, अदरवाइज आप हल्का सा यहाँ यहाँ पे भी लगा सकते हो। ओके, तो मैं सेम कलर लोअर लैशेस पे भी लगा दूँगी। ठीक है, ये वाले स्पार्कल कलर को मैं यूज़ करूँगी थोड़ा सा यहाँ पे, और फिंगर से ज़्यादा अच्छी एप्लीकेशन होती है ब्रश के अकॉर्डिंग।
मतलब स्पार्कल वाले का। अब मैं बनाऊंगी एक विंग लाइनर बहुत ही लाइट सी, एंड आई एम यूजिंग दिस लैक्मे, माई ऑल टाइम फेवरेट, क्योंकि मुझे इसकी जो ये क्या बोलते हैं उसे एप्लीकेटर है ये सही लगता है, क्योंकि जो ऐसी वाली होती है दूसरी वाली भी आती है तो उसकी ना बहुत लंबी होती है, वो ना ऐसे लगती नहीं है मुझे, या फिर मुझे इसी को लगाने की आदत हो गई है तो मैं इसी को ही लेती हूँ बार बार। ओके, तो आपको क्या करना है, लाइन ऐसे ड्रॉ कर देनी है, इसको यहाँ से कनेक्ट कर देना है, फिर इसको फिल कर देना है, फ्रंट में भी कर देना है थोड़ा सा विंग, पता नहीं इसको विंग बोलते हैं क्या बोलते हैं, बट पहले मैं यहाँ पे स्पार्कल लगा रही हूँ, देन इसकी पाथ ज़्यादा नहीं। इट इज़ टोटली ऑप्शनल जो ये मैं कर रही हूँ, बट जिसको पसंद है वो कर सकते हैं, अच्छा लगता है ये वाला भी, ठीक है, हर टाइम मुझसे ये वाली अच्छी बनती है, आज मुझसे ये वाली ठीक बनी है, ऐसा बनाना चाहती लाइट सा और ये थोड़ा डार्क हो गया। ओके, तो आज हम कंटूरिंग नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ ब्लश लगाएंगे, ठीक है, मैं मोस्टली ये वाला यूज़ करती हूँ। आप यहाँ पे भी लगा सकते हो थोड़ा, ताकि थोड़ा नेचुरल काइंड ऑफ लुक लगे, हल्का मतलब ऐसे डार्क सा मत लगा देना, ब्लश मत बना देना, बट हल्का हल्का सा। आई एम यूजिंग दिस ब्लू हेवन, जो कि मैं हर बार यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे पास यही है, एंड मैं ज़्यादा सोचती नहीं ब्राउज के बारे में। मेरी ब्राउज ने एक्चुअली मैंने कब से बनाई नहीं है, इसलिए जंगली हो रखी है। ओके, तो वैसे मेरे पास ये वाली लिपस्टिक भी है, बहुत ही अच्छा कलर है, आई लव न्यूड कलर्स इनसाइड की, ये लिपस्टिक बहुत ही अच्छी है, एप्लीकेशन वगैरह बहुत अच्छा देती है एंड स्टे भी अच्छा करती है, एंड बहुत ही मतलब मैट है तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सूख जाते हैं आपके लिप्स, बहुत ही एक मॉइस्चराइज कर देती है आपके लिप्स को, कर देती है मॉइस्चराइज कर देती है, खुलेंगे लिपस्टिक कर देता है, कर देती है जो भी करती है मतलब कर देती है। तो मैं लगाऊंगी शुगर की लिपस्टिक, ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट लिपस्टिक है, इसका शेड बहुत अच्छा है और ये टूट चुकी है। बहुत अच्छा शेड है इसका, बाय द वे मैं शेड बता देती हूँ आपको, इसका कौन सा है, 01 ब्राउनिंग ग्लोरी, ये शेड अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो, बहुत ही अच्छा शेड है, ये पार्ट ना निकल चुका है इसका, बट मैंने इसको डाल दिया अंदर, और मैं इसको थोड़ा हल्का हल्का लगाती हूँ ताकि निकले ना, गिर ना जाए। वाइट वाइट होना शुरू हो गया, जैसे जैसे सर्दियाँ आती हैं वैसे वैसे रफ होने लगती है स्किन। आज मैंने पाउडर नहीं लगाया है बिकॉज जो कि मैं बोलती आ रही थी देर से कि अब विंटर्स का मैंने आपको लुक बताया कैसे करना है, एंड आई डोंट थिंक सो कि विंटर्स में आपको पाउडर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली स्किन बहुत रफ होती है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको बता रही थी कैसे कैसे करना है। तो विंटर में थोड़ा ग्लोइंग नेचुरल टाइप अच्छा लगता है, तो आप ये हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हो, बट इसको करोगे तो अच्छे से यूज़ करना है, ऐसे लगा के छोड़ मत देना, को स्प्रेड भी करना होता है, ठीक है, यहाँ पे आप इसको ऐसे करके स्प्रेड कर सकते हो, ग्लोइंग सा नेचुरल लगे, ऐसा ना लगे कि आपने हाइलाइटर अलग से लगा रखा है, हल्का सा मतलब जितना आपको यूज़ करना है। ओके, तो मैं ब्राउन लिप लाइनर लेके आउटलाइन कर दूँगी, लोग पहले लिप लाइनर लगाते हैं, मैं पहले लिपस्टिक लगाती हूँ देन लिप लाइनर लगाती हूँ, मैं भूल जाती हूँ लगाना, मुझे लिप लाइनर लगाना पसंद है बट
अगर आप मतलब कहीं जाते हो बाहर, तो मोस्टली लोग लिप लाइनर इतना यूज़ करते नहीं है. मतलब मैंने जितना को भी लिप लाइनर यूज़ करते हुए देखा है, वीडियोज़ में देखा है मोस्टली, वो भी उन लोगों को जो मेकअप वीडियोज़ बनाते हैं. तो मुझे वैसे पसंद है, बट मेरे को ऐसा लगता है मैं बाहर जाऊँगी तो लोग मुझे देखेंगे सबके सब, वो बोलेंगे इसने क्या कर रखा है. इसलिए मैं लिप लाइनर नहीं लगाती, बट मैं सोच रही हूँ मैं लगा लूँ. आपको पूरे लिप्स को कवर करना है, बस बीच में थोड़ा सा छोड़ देना. मैं बहुत आराम आराम से बोलती हूँ, और जब मैं मतलब वीडियो बनाते टाइम, और जब मैं बाद में वीडियो देखती हूँ तो मेरी आवाज़ ही नहीं आती. तो मैंने ना एक माइक ऑर्डर किया, और कल वो आया, कल डिलीवर हुआ, तो मेरा ना पोपट हो गया, क्योंकि उसको जो कनेक्टर है वो मेरे फ़ोन में लग ही नहीं सकता, तो मुझे एक और कनेक्टर लेके आना पड़ेगा. मैंने एक फॉरनर का ना वो देखा था, एक लड़की है उसको मैं फॉलो करती हूँ, उसका नाम मुझे याद नहीं है, बट उसकी मैंने एक फ़ोटो देखी थी, तो उसने भी ऐसे ब्राउन कलर के लिप लाइनर लगा रखा था, एंड बीच में ऐसी कलर लगा रखा था, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा. बट मेरा वैसे लग ही नहीं रहा है क्योंकि उसने एक और कलर लगा रखा था बीच में. एंड वैसे बोल के मेरे पास लिपस्टिक है, बट वो मैंने सरोजनी नगर से ली थी, एंड वो बहुत गंदी है, मतलब इतना रफ कर देती है लिप्स में. एंड मैंने ना काफ़ी मतलब मेकअप क्रिएटर्स को देखा है बोलते हुए कि कोई भी मतलब वो मतलब अगर रिव्यू दे रही हैं किसी लिपस्टिक का, हमेशा ऐसा बोलती हैं कि ये लिपस्टिक ना बिल्कुल हैवी नहीं होती. तो मैं सोचती थी यार ये हैवी कैसे होती है, बट जब मैंने वो सरोजनी वाली लगाई ना, तब मुझे पता चला अच्छा ऐसे होती है हैवी. मैं उसको नहीं लगाती हूँ क्योंकि बहुत रफ हो जाती है, पूरी लाइनिंग लाइनिंग सी हो जाती है पूरी लिप्स में, तो मैं उसको नहीं लगाती हूँ. मैं उसको कभी कभी वीडियोज़ बनाने के लगाती हूँ बस. उसको जैसे ही लगाती हूँ ना, मैं सोचती हूँ मैं इसको कब निकालूंगी, क्योंकि वो बहुत गंदा एप्लीकेशन है उसका. ऐसा नहीं है कि वहाँ पे लिपस्टिक अच्छी नहीं मिलती, बट मैं लेती हूँ वहाँ से, एंड मिलती होगी अच्छी भी आई थिंक. तो आप अगर आप ब्राउन लगा रहे हो ना, जैसे मैंने लगाया हुआ है लिप लाइनर, तो उसके बीच में पिंक कलर का भी लगाओगे तो वो भी अच्छा लगता है. लेट्स ट्राई. अरे दिखेगा नहीं आई थिंक. ये लगा रही हूँ मैं स्विस ब्यूटी का लिप टिंट. मुझे ऐसे ना दो तीन शेड मिक्स करके लगाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कभी भी लगाओ ना तो अलग ही कलर बन के आता है. मतलब वैसे आपके पास लिपस्टिक होगी नहीं, ऐसा कुछ अलग सा ही बन के आता है. मैंने बहुत किया है पहले भी. एक्चुअली पिंक कलर नहीं है, थोड़ा वैसा कलर है, हाँ मॉव मॉव टाइप का, थोड़ा डार्क पिंक होता है ना शायद. इसके साथ हमारा होता है लुक कंप्लीट. इसके साथ आपको जो जो भी ज्वेलरी वगैरह इयररिंग्स वगैरह पहनना है तो आप डाल सकते हो अच्छे से, हेयर स्टाइल करके अच्छे से कपड़े पहन के, यू विल स्ले. एंड आप इसके ऊपर अगर सेटिंग स्प्रे भी डालते हो तो आपका ना कुछ टाइम बाद मेकअप अच्छे से सेट हो जाता है, तो केकी केकी टाइप का नहीं लगता. जैसे अभी ऐसा लग रहा है ना बहुत ही हैवी है, तो थोड़ी देर बाद ये थोड़ा लाइट हो जाता है, एंड फिर बहुत अच्छा लगता है. येस दिस इज द लुक. एंड ये वाइट वाइट क्या है, जब भी मैं ऐसे बोलती हूँ मेरे पिंपल नहीं हुए, तब तक मेरे पिंपल्स निकल जाते हैं. आजकल पता नहीं क्यों ये बहुत ही ज़्यादा पेन कर रहा है मुझे मेकअप में. एक तो मतलब जो मोस्टली चीज़ें, मतलब अगर मैं दो तीन चीज़ें देखूँ ना तो मैं क्या क्या लगा सकती हूँ, तो मुझे एक तो मस्कारा लगाना बहुत पसंद है, दूसरा मुझे हल्के से लाइट कलर की लिपस्टिक, मतलब हल्का सा, मतलब हल्का सा टिंट टाइप का भी आ गया ना जो बहुत ही ग्लोइंग लगता है स्किन में, तो मुझे वो भी अच्छा लगता है. एंड ब्लश भी अच्छा लगता है मुझे, ब्लश. तो ये तीनों चीज़ें अच्छी लगती हैं. आप भी मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेकअप में सबसे अच्छा क्या लगता है. तो मुझे बताओ आपको ये लुक कैसा लगा, और आप इसको क्रिएट करना चाहते हो या नहीं. सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय.